हेलो एवरीवन, मैं हूं कोमल और मैं आज आपको मेन्यू ऑप्शंस के बारे में बताने वाली हूं। फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, डेटा, रूबो पीडीएफ एंड विंडोज़ और हेल्प का यूज़ कहां पे किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं फाइल के बारे में। फाइल को क्रिएट, ओपन, सेव, प्रिंट एंड क्लोज वर्कबुक, इसके लिए हम फाइल ऑप्शन में ये सारे काम हम कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं एडिट में। एडिट में होता है जैसे कि हमें कुछ भी एडिटिंग करनी हो, जैसे कि वर्कबुक इंक्लूड करना हो, कट पेस्ट डेटा, ऑब्जेक्ट मूव वेरियस लोकेशन इन वर्केबल वर्कबुक एंड अनडूइंग एंड रीडूइंग कर सकते हैं। व्यू ऑप्शन में हम चेंज वर्कबुक और डिस्प्ले साइज और स्टाइल कर सकते हैं। इंसर्ट में हम वर्कशीट इंसर्ट कर सकते हैं एडिशन स्पेस सच एज न्यू सेल कॉलम रो आल्सो इंसर्ट तो चार्ट कमेंट फंक्शन हाइपरलिंक एंड अदर ऑब्जेक्ट्स इन योर वर्कबुक। उसके बाद देखते फॉर्मेट। अप्लाई अ फॉर्मेटिंग टू वर्कशीट एंड देयर कंटेंट, फॉर्मेटिंग में ये कर सकते हैं, फॉर्मेट वर्कशीट में फॉर्मेटिंग कर सकते। टूल्स ऑप्शन में यूज एक्सेल टूल सच एज द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग और माइक्रो रिकॉर्डर एंड प्रोटेक्शन एंड कोलाबोरेशन फीचर्स एंड सेट योर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल परफॉर्मेंस। डेटा में हम सॉर्ट कर सकते, फिल्टर कर सकते, अदरवाइज अरेंज द डेटा ऑन योर वर्कशीट। और विंडो में हम कर सकते स्विच बिटवीन ओपन अ वर्कबुक विंडो और स्प्लाइट द विंडो ऑफ द करेंट वर्कबुक। हेल्प में हम एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑनलाइन हेल्प ले सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम ऑनलाइन हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हमें मेन्यू ऑप्शन का यूज़ होता है। मेन्यू बार में ये सारे जितने भी ऑप्शंस होते हैं इनका यूज़ मैंने आपको बता दिया है।